पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के पीजीआई में है इस तरीके के हालात की इंसानियत शर्मसार हो जाए। अगर पंजाब हरियाणा की राजधानी में इस तरीके के काम हो रहे हैं तो और शहरों का क्या हाल होगा। दवाई बेचने के बाद पीजीआई के केमिस्ट वाले दवाई वापस नहीं लेते, क्यों सोया है प्रशासन, क्यों सोई है पुलिस। बंद हो ऐसे चोरों की लूटमार, रद्द हो ऐसों के लाइसेंस। सोशल मीडिया में पीड़ित की तरफ से यह वीडियो वायरल की जा रही है और उसका ये कहना है कि मेरा अपना तो मर गया लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की लूटमार औरों के साथ ना हो। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, के कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वाकई आज मैं आड़ा गाना याद आ रहा क्योंकि अजकल इंसानियत बिल्कुल मरती जा रही है जी हर एक दे जहन दे विचों दी। और ये जड़ा केस आया इस दे उत्ते तो मैं कहना इन्नी शर्म आ रही है कि मैंने इन्ना गुस्सा भी चढ़ रहा है कि इस तरह के लोग भी ना देखो दुनिया के। एक केस आया जी चंडीगढ़ पीजीआई का, हाँ जी पीजीआई जिथे कि हर एक जिंदगी मिलती है उत्थे एड्डी तकड़े लैवल से लुट मार चोर बजारी है। कल जाके सुने उत्थे अपने लोगों के दुख दर्द थानू पता लग जाएगा। एक केस आया जी एक छोटे जे बच्चे का जिसनों कि डॉक्टर ने दो टीके लिखे कि इस बच्चे कैंसर है जी और इन्हों इस बच्चे दो टीकों की बड़ी जरूरत है और फटाफट लैके आओ। और वो टीके किन्ने दे जी 45,000 रुपये दे। उस वक्त जी उन्होंने अपना माँ प्यो पता नहीं कितों पैसे उन्होंने कट्ठे किए बेचारे ने ब्याज से 8-9% से वो पैसे कट्ठे करके जी वो दो टीके लैके आए और डॉक्टर ने एक टीका लगाया बच्चे तो बच्चा हो घंटे दो घंटे बाद बच्चा मर गया जी। और उस तो बाद जी एक टीका बचा पिछों दी और उस बच्चे दे माँ बाप जदों उत्थे दे अपना कैमिस्ट वाले कुमार एंड कंपनी उन्हां कोल जदों वो टीका लैके गए जी उन्होंने वो टीका लैण तों मना करता भी असीं नहीं लैंदे जी भी यह जिहड़ी चीज़ विकी असीं वापस नहीं लैणी। भाजी 45,000 रुपये का टीका किसी ने ब्याज ते पैसे चक के लिते होण कितना बंदे और उत्तों दी उन्हां दा बच्चा मर जावे कितना दुख होएगा इंसानियत। इस तरह का इंसान क्या दसो जी किसी का भला करेगा जिस बंदे नाल इस तरीके का बर्ताव होया हो। सो मैं कहना जी इस तरह के चोर कुमार एंड कंपनी तुसीं यकीन नहीं करोगे जी एक दिन का जी ये 10 लाख रुपया कमाते हैं कोई मजाक नहीं है। और मैं कहना इन्हां दी चोर बाजारी अक्सर उत्थे पीजीआई दे विच तुहानूं उत्थे लोकां दी गल्लां दे विच अपने आप पता चल जाएगा कि ये की करते हैं। मैंने गल दसो जी ये चंडीगढ़ का प्रशासन क्या सुत्ता पिया है कि इन्हां दा हिस्सा उन्हां दे नाल। मोदी साहब तुहानूं हर जोड़ के बेनती है इस तरह के चोर उचक्कियां दे उत्ते नकेल कसम की लोड़ है। GST तो तुसीं लगाई है ना 28%, मैं कहना लोग 40-40% देने तैयार बैठे ने। जदों इस तरह के डॉक्टर इस तरह के कैमिस्ट वाले जदों अपना लुट मचाते हैं साढ़े हिंदुस्तान से। मैंने एक गल दसो जी साढ़े हिंदुस्तान के लोग पैसा क्यों जोड़ते हैं भी जोड़ लो थोड़े जे पैसे जोड़ लो ता कि किसी बीमारी के काम आ गए किसी अगर हाथ अड्डन की लड़ नहीं पेगी। इस तरह की चोर बाजारी जी साढ़े हिंदुस्तान के बिल्कुल बंद होनी चाहिए है। वो की होएगा उस तो बाद फिर जी अपना कोई पैसा नहीं जोड़ेगा सब ने पता होएगा भी जे मैं कल बीमार हो गया तो एड्डा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होना। अपने आप खुशहाली आ जाएगी, खुशहाली आएगी तो हर एक बंदा जी GST देने दे आनाकानी नहीं करेगा और देश सारा खुशहाल हो जाएगा। सो इस तरह के चोर उचक्कियां के उत्ते नकेल कसम की लोड़ है। तो मेरी हर जोड़ के इन्नी बेनती है सोशल मीडिया और मैं कहना जी अज की डेट के जिदे हाथ में मोबाइल है जिहड़ा जिहड़े मोबाइल के वीडियो बनती है वह बंदा अज की डेट के पत्रकार है। जे तुसीं अपनी आवाज़ नहीं चक सकते जे तुहाडे उत्ते जुल्म हो रहा है तो तुसीं अपना सहन कर रहे हो तो तुहाडी गलती है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾਓ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।